भाई टी शर्ट छोड़ दे मेरी, आज तो छोड़ दे। अरे आज तो दे दो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7:45। बाहर देखते हैं अभी है टाइम बस थोड़ा सा। वाह बादल हो रहे हैं भाई, ये क्या बकवास चल रही है यार। यूजुअली इस मंथ में लू चलती है, यहाँ पे बारिश हो रही है डेली। मैं बता रहा हूँ अजलू, मौसम में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। कल मौसम में थोड़ी गर्मी थी तो चलो ठीक है, आज मौसम ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है मेरे को गर्मियाँ गायब हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, न्यूट्रल सा मौसम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बाहर का मौसम इतना अच्छा रहा, मेरा ऑफिस जाने का, ऑफिस का काम करने का मन नहीं कर रहा। मैं तो फिर भी छुट्टी ले सकता हूँ, आप छुट्टी कैसे ले सकते हो, समस्या इधर ही थी। आपको तो भाई थैंक यू मेरी मच माय फ्रेंड, शुक्रिया शाबाश। आपके आपके बिना एक घर नहीं चलता मुझे जान। अच्छा मेरी जिंदगी में ना और बहुत शौक है। कौन से? अपने बाल खराब करवाने के सिवा। है मारू? हाँ। मारू नाम है आपका? इसका इसका नाम मारू है। किसने रखा? अरे वाह इधर आओ तो। मारू और अजलू। पापा मेरे और ये हमारा टैडी है। टैडी का नाम क्या है? हाँ? भालू। अभी तो मालू मारू मारू कर रहे थे मेरे को सुनने में समझ में नहीं आया। इसका नाम है दोस्तों भालू। इसका नाम है भालू। जैसे वो जैसे होता अजू कैसे था ऐसे। अरे इधर देखो ऐसे कर ऐसे था आई नहीं अल्लू क्या कर रहा है? हाँ गणेश जी बाबा की जय कर रहे हो? ओके दोस्तों तो गणेश जी बाबा यहाँ पे हैं, अजलू यहाँ पे जय कर रही है। कितना रिलीजियस हो गया अजलू तू, वेरी गुड बेटा। जय हो गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों नहाना मेरा हो गया, बट समस्या एक ये आ रही है कि बाल अभी गीले, और गीले बालों में ऑयल लगाएंगे तो हेयर स्टाइल बेकार से चंपू चंपू से हो जाते हैं, बाल चिपके चिपके से हो जाते हैं। सो इसके लिए कुछ समाधान सोचना पड़ेगा, देखते हैं क्या हो सकता है। एक चीज मेरे दिमाग में है करके देखते हैं, डांट बहुत पड़ने वाली है लेकिन देखते हैं करके। बवाल ठीक है यार, मस्त गरम गरम हवा आ रही है। आ, 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 आ। दीदी का हेयर ड्रायर यूज करने का मजा ही कुछ हो रहा भाई। कुछ सूखे क्या? हल्के से सूख गए हैं, एक राउंड और कर लेते हैं बस, इतने में अपना काम हो जाएगा। सूख भी गए बाल, अब जल्दी से ऑयल लगा लेते हैं, अब एक अच्छी हेयर स्टाइल मिलेगी अपने को। यस इट वर्क्ड। तो दोस्तों फाइनली मेरे बाल हो चुके हैं सेट, थोड़े बहुत कुछ मतलब ऊपर नीचे हो गए हैं सूखने की वजह से, बट ठीक है काम चलने वाले हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा आपको ऑमलेट मिला है, मुझे सैंडविच मिला है, ना इंसाफी। तो दोस्तों अजलू ने एलिफेंट बनाया, शो मी अजलू।
बहुत ही प्यारा लग रहा है। अजलू यू आर गेटिंग बेटर डे बाई डे। अरे और घमंड नहीं है अजलू को, अजलू की खासियत ही होती है कि इसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है कि ये इम्प्रूव हो रही है। तो दोस्तों बाहर से एक अजीब सी आवाज आ रही है, देखता हूँ क्या है, क्या आया है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों सोसाइटी में सैनिटाइजेशन का काम चालू है, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। ईद कब की है? 14th, कल। कल की है ईद? मीठी ईद है कल। मीठी ईद है, मीठी ईद तो खीर बनती है। ऑफिस में कुछ लोग कह रहे थे कि आज की है ईद। दो मिनट वाली चाय। टू, हाँ यस, थ्री, टू मिनट में बन जाएगी। आज मैंने टाइम भी देखा था सुबह, दो मिनट से भी जल्दी बना लेते हो। ये देख चुन्नी पहन के गर्मी में घूम रही है। सारे कार्टून यही भरे पड़े हैं। बिस्किट खाएगा? ओरियो? ओरियो ओरियो खाएगा? नहीं ओरियो। अच्छे से इसको मिक्स करके ऐसे बनाया करो। अरे ऐसे ही बनाती हूँ भाई। आप अब आप चले गए उधर, मैं इसको बिस्किट देने चली। लो अगर। तो दोस्तों चाय तैयार होने वाली है, ले आओगे चाय? लेके आते हैं। चाय लाओ यार, इधर चाय। बड़े वाले कौन से है, मतलब किसका है? अरे यार कोई ले लो। ये लूं या ये लूं? साथ में जमीन जायदाद तो ये चाय है। साथ में चाय जमीन जायदाद से कम नहीं होती है, और चाय ऐसे दी भी नहीं जाती। चाय इज सो प्रीशियस, तो इसलिए बड़ी लेनी चाहिए। अगर आज बेटा ये एक लिए नाराज हो जाती है मिनट में। अद्भुत। तो दोस्तों अभी एक छोटा सा चाय का ब्रेक लिया है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था, तो चाय तो चाहिए फिर। तो दोस्तों फाइनली हमारा आज का काम खत्म हो गया है, 6 बज गए। अभी देख रहा हूँ 6 बज चुके हैं। दिखाओ क्या कर रहे थे आप अभी? हवा कर रहे थे। कैसे खाते हैं हवा? हेलो चीयर्स। मतलब मेरे को रूह अफ़ज़ा देख के वो मूवी याद आ जाती है, ये जवानी है दीवानी। ये रोबजा कितना बेकार है। नहीं बेकार मतलब थोड़ा सा मीठा कम है, बेकार तो कैसे कह सकते हैं हम आपकी चीज को, मीठा थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों ये है रोबजा, और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालने से पिंक पिंक कलर का, और हाँ मतलब थोड़ा दूध डालने से थोड़ा पिंक हो जाता है, बाकी मिल्क में बना देते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हमारे बचपन में शादियों में बनता था, जितने भी गेस्ट लोग आते थे और हम खड़े होकर देखते थे, ढेर सारा रोबजा बनता था ऐसे दूध में, और फिर भर के गिलास पीते थे। रजाई उड़ गई आपकी, आपकी डोल की रजाई उड़ गई। इतलू आर यू स्वीटी स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? आगे अरे डो तो दोस्तों दो लोग ही जिंदगी के मजे ले रहे हैं, एक ये डोल अजलू की और एक अजलू है, वो देखो वहाँ पे सो गई। मेरे लिए आप बनाओ अजलू ढक्कन, आप मेरे लिए बनाओ पिज्जा। हाँ जी पिज्जा बना दो मेरे लिए। फ्रूट से? हाँ। वेजिटेबल्स नहीं लाए आप? लाए ना देखो। तो आपके पास स्ट्रॉबेरी? ओके। तो
बड़ी ओके ले ले कौन कौन ले पंपाई ओके चलो इनसे बना दो फिर पिज्जा मेरे लिए क्या है सूप पहले सूप पी लूं आप फिर पिज्जा बना दोगे मेरे लिए हाँ। पिज्जा है मेरा हाँ। थैंक यू मामा आई एक मेरे लिए चाय और बना दो मामा आई स्ट्रॉबेरी की चाय नहीं स्ट्रॉबेरी की चाय नहीं चाय पत्ती वाली चाय चाहिए मेरे को चाय पत्ती वाली चाय तो मैं लाई नहीं चाय पत्ती नहीं लाया आप तो एक कप की चाय बना दो मेरे को चीची होगी ले की चाय ठीक है इसकी बना दो अब नहीं लाया तो क्या ही बताएं अब ये देखो असल मम्मा ने क्या लगाया सर पे गोबर लगाया है वो जो होता है ना बुल जो होता है बुल जो करता है वो लगा है आप क्यों नहीं लगाते ये सर पे तो मम्मा क्यों लगाती है बेकार होता है तो दोस्तों डिनर हमारा हो चुका है और अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम है विद फैमिली अजलू यहाँ पे ड्राइंग कर रही है और यहाँ पे सेवा चल रही है तो दोस्तों ये टाइम जो होता है जब हम तीनों बैठते हैं डिनर के बाद और इट्स छोटा छोटा होता है क्योंकि उसके बाद फिर व्लॉग के एडिटिंग के लिए मेरे को जाना पड़ता है एडिटिंग करते करते वो भी मुझे छोड़ के ये सबसे बड़ा नुकसान होता है वो भी इस अजलू को छोड़ के जाने का मन नहीं करता लेकिन क्या करे आप लोगों के लिए जाना पड़ता है आप लोग जो प्यार देते हो वही हिम्मत देता है ताकत देता है उसी के चलते हम रात को काम कर पाते हैं लगभग 12 एक बज जाते हैं डेली संजय कहाँ हो तुम संजय मेरे पास आओ संजय दानदारी हो तुम तो हाँ संजय मुझे बताओ मम्मा क्या कर रही है क्या कर रही है मम्मा मम्मी तो लव पी रही है मम्मी तो लव ही पीती है ये लो अपनी डोल और मैं जा रहा हूँ काम करने ठीक है आप दूध पी लेना मम्मा को परेशान मत करना ओके बाय गुड नाइट तो दोस्तों अभी बच चुके हैं 10 और मैं आ चुका हूँ अपने व्लॉग की एडिटिंग कर ले अभी मैंने कॉटन पे थोड़ा रोज वाटर लगा के वो आइस पे लगाया क्योंकि अगर आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम दिन का अगर आप सिस्टम पे बिताते हैं तो इट्स वेरी इंजूरियस टू योर आईज सो आंखों को थोड़ा सा आराम देने की जरूरत होती है अभी मैं पूरा दिन मैंने ऑफिस का काम कर रहा था और अभी नाइट में भी 2-3 घंटे व्लॉग की एडिटिंग में जाएगा
सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक स्क्रीन को देखते रहते तो आंखों की बैंड बच जाती है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों ब्लॉग की एडिटिंग, और मिलता हूँ आपसे जल्दी। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके हमारे चैनल अजल विकास ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइल रखिए फेस पे। मिलते हैं जल्दी आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।